आज हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के पहले यह जान लेना जरूरी होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। तो देखिए, आप लोग ज्योमेट्री के बारे में इतना जानते हैं, जब से हमारी सिविलाइजेशन है तब से ज्योमेट्री है, लेकिन समय के साथ चीज़ों में बदलाव होता है। हर टेक्निक से बेहतर टेक्निक आती है। अगर कभी रेडियो था तो अब टेलीविज़न है, स्मार्टफोन है। तो ठीक उसी तरीके से ज्योमेट्री में भी समय के साथ बदलाव हुए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव एक मैथमेटिशियन की वजह से आया, जिसका नाम था रेने डेस्कार्टे। रेने डेस्कार्टे ने सबसे पहले यह बताया कि किसी पॉइंट की जो पोजीशन है उसको अलजेब्रा के थ्रू हम लोग कैसे बता सकते हैं। उसके पहले क्या था कि हम लोग पॉइंट को देख के बता सकते थे कि भाई यह पॉइंट क्यू है या पॉइंट ओ है, लेकिन सिस्टम के साथ सबसे पहले बताने का काम किया रेने डेस्कार्टे ने। तो उन्होंने कौन सा सिस्टम बनाया, कौन सा सिस्टम बताया, उसको हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इस प्लेन को, प्लेन मतलब ब्लैक बोर्ड आप समझ सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन से फोर पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, अब ये जो फोर पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कहा। यह जो क्वाड्रेंट उन्होंने काउंट किया वह एंटी क्लॉकवाइज काउंट किया गया। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर P है तो जो डिस्टेंस यक्स एक्सिस के एलांग मेजर किया गया उसको यक्स कोऑर्डिनेट या फिर एफसीसा कहा गया, और वैसे ही जो डिस्टेंस वाई एक्सिस के साथ मेजर किया गया उसको वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट कहा गया। तो इस तरीके से जो पॉइंट P था उसकी लोकेशन बताने के लिए यह दो नंबर यूज किए गए, जिनको यक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट या फिर एफसीसा एंड ऑर्डिनेट कहा गया। तो ऐसे समझते हैं, अगर कोई पॉइंट P है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस 2 है, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस 3 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 3 हो गया। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ पे कट की उसको ओरिजिन कहा गया। जो डिस्टेंस राइट डायरेक्शन में लिया गया उस एक्स कोऑर्डिनेट को पॉजिटिव कहा गया, जो ओरिजिन से लेफ्ट लिया गया उसको निगेटिव कहा गया, जो डिस्टेंस ओरिजिन के ऊपर लिया गया वाई एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव कहा गया, और जो बिलो लिया गया उसको नेगेटिव कहा गया। तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यह डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और यह डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट इस फॉर्मेट में आएगा, पॉजिटिव प्लस और प्लस। वैसे ही अगर यह पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आप यह नोटिस कर रहे हैं कि एक्स नेगेटिव है और वाई जो है वह पॉजिटिव है, तो इसका कोऑर्डिनेट माइनस और प्लस हो गया। ऐसे ही अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में है तो देख रहे हैं एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हुआ इस फॉर्मेट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया प्लस और माइनस। इसका मतलब है कि पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा यह डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन किस क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो बोथ क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, सेकेंड में है तो एक्स नेगेटिव एंड वाई पॉजिटिव, थर्ड में है तो बोथ आर नेगेटिव एंड फोर्थ में है तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम लोग ये देखते हैं कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चूंकि ओरिजिन जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई डिस्टेंस ऑक्यूपाई नहीं करता है, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी कोई डिस्टेंस ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट भी 0, मतलब ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होगा 0, 0 होगा। अब देखिए कुछ और फैक्ट हैं जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर यह पॉइंट P है, नीचे आएगा तो आप देख रहे हैं y की वैल्यू कम हो रही है, और नीचे आएगा y की वैल्यू और कम हो रही है, और नीचे आएगा y की वैल्यू और कम हो रही है, और नीचे आएगा y की वैल्यू और कम हो रही है, और जब यह x एक्सिस पे आ जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो वह इस फॉर्मेट पर होगा। अब देखते हैं
अगर यह पॉइंट P मूव करते हुए टुवर्ड y एक्सिस आए, यहाँ पे आए तो x कोऑर्डिनेट कम होगा, और यहाँ पे आए और कम होगा, और यहाँ पे आए और कम होगा, और यहाँ पे आए और कम होगा, और यहाँ पे आए तो x कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या देखें हम लोग कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और y एक्सिस पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अब देखिए यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम को चूँकि इवॉल्व किया था रेने डिस्कार्टे ने, तो उनके रिस्पेक्ट में इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये पी पॉइंट है तो एक रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है ना, तो इस वजह से इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो जब डिस्कार्टे ने इसको इवॉल्व किया तब से जो है ज्योमेट्री में रिवोल्यूशन आ गया, और ज्योमेट्री को हम लोग अलजेब्रा की तरीके से सिस्टमेटिक वे से पढ़ना शुरू किए, और वहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हुई। तो इनिशियल स्टेज पर इस क्लास में इस लेवल पे हम लोग को समझना क्या है कि प्लेन को, जो कि यहाँ फिलहाल ब्लैकबोर्ड है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन फोर पार्ट में डिवाइड करती है। हर पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। जो क्वाड्रेंट की काउंटिंग होती है वह एंटी क्लॉकवाइज होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और साइन कन्वेंशन देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ क्वाड्रेंट आर पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस पॉजिटिव है। वैसे ही सेकेंड में आएंगे तो देखेंगे एक्स निगेटिव लेकिन वाई पॉजिटिव, तो निगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड में आएंगे, बोथ आर निगेटिव, तो इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा वह माइनस माइनस फॉर्मेट का होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो देख रहे हैं एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई नेगेटिव, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। तो अब देखिए हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं। कहा गया कि कोई भी पॉइंट अगर प्लेन में है तो उसको हम लोग एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। जो एक्स होगा उसको एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एक्स दिशा कहेंगे, जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट कहेंगे। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करेगी उसको हम लोग ओरिजिन कहेंगे, जिसका कोऑर्डिनेट जीरो जीरो होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखते हैं। अगर कोई कह रहा है कि 5 और 3 एक पॉइंट है तो वह पॉइंट कहाँ लोकेट होगा, तो यह देख रहे हैं 5 और 3 बोथ आर पॉजिटिव, तो सो यह पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर कोई कहता है -3 और 2, इसका मतलब देखिए एक्स माइनस है वाई पॉजिटिव है ना, तो -3 और 2 जो होगा वह सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट -5 -5 है, इसका मतलब क्या, बोथ कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव, सो वह पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और अगर कोई पॉइंट कहा जा रहा है 5 -3 एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में और वाई नेगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए अगर कोई कहता है कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 5 0 है, तो इसका मतलब क्या है, कोऑर्डिनेट 5 0 है मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस 5 है लेकिन वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस नथिंग है ना, तो 5 0 जो पॉइंट होगा वह एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक वैसे ही अगर कोई कह रहा है कि 0 4, तो 0 4 पॉइंट कहाँ पे होगा, तो देखिए y की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो y एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस 4 होगा, लेकिन x की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली वह पॉइंट जो है y एक्सिस पर लाई करेगा। देखिए क्लास 9th स्टैंडर्ड में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को केवल इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, अगर इंट्रोड्यूस करने का मतलब है कि अगर आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैथ में ज्योमेट्री का पोर्शन कम होता जाएगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन बढ़ता जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे आप देख रहे हैं रेडियो का चलन आज कम है लेकिन टेलीविज़न स्मार्टफोन का ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक मॉडर्न टेक्निक है जो कि ज्योमेट्री को और अच्छे तरीके से सिस्टम में ला सकती है, और अलजेब्रा के थ्रू हम लोग का जो पढ़ने का तरीका है
या जो सोचने का तरीका है वह बहुत अच्छे ढंग से इम्प्रूव हो सकता है। तो अगर आपको आगे भी मैथ में अच्छा करना है या आप समझते हैं कि मैथ में हम कुछ कर सकते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो इस क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को पॉइंट को लोकेट करना, पॉइंट को पहचानना, एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट और साथ में साइन कन्वेंशन जानना ज़रूरी था। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने सीखा कि प्लेन में किसी पॉइंट के पोजीशन को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। और यह बात लास्ट में आप नहीं भूलिएगा, इस सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहने के पीछे रीजन है कि इस पर जो वर्क किया था सबसे पहले रेने डेस्कार्टे ने किया था। और देखिए इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यह जो काम उन्होंने किया था कि किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे बताया जाए, तो वह सोते सोते किए थे। सोचते हुए वह सोच रहे थे, दिमाग में उनके चल रहा था कि भाई किसी पॉइंट की पोजीशन को हम क्या किसी नंबर के थ्रू या कोई अल्जेब्रिक मेथड से दिखा सकते हैं। तभी जो है उसी समय उनके दिमाग में यह कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना हम लोग प्लेन को दो लाइन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से डिवाइड करें और उसके रिस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन को बताएं। तो आज का कंक्लूज़न यह कि यह जो सिस्टम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के लंग जो डिस्टेंस है उसको एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा, और वाई एक्सिस के जो लंग डिस्टेंस है उसको वाई कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, और अब हम लोग अगली क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देखेंगे और सीखेंगे। तो ठीक है, मैथ स्काई के साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।